हे फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम चेक कर रहे हैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। आपको क्या करना है, आपको 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है, डीप ब्रीथ लेनी है एंड देन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना शुरू करना है। तो हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर आए हैं हमारे पास ये 3 कार्ड्स। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। उनकी सेक्सुअल एनर्जी, मिसिंग एनर्जी दोनों हाई हैं। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर टोटली फ्रस्ट्रेटेड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है जो नहीं चाहता या फिर नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, तो उसके चंगुल से भी ये पर्सन, उसके मैनिपुलेशन से भी ये पर्सन, उसके डोमिनेटिंग बिहेवियर से भी ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। आपको सेक्सुअली बहुत मिस कर रहे हैं। आज की एनर्जी उनकी कुछ ऐसी है कि उनसे आपके बिना रहा ही नहीं जा रहा। वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं और आपके बिना काफ़ी ज़्यादा परेशान और एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। अगर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो मैं ये भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आज के पूरे दिन में आपके पर्सन घर में लेटे रहें और आपको मिस करके ड्रिंक करते रहें, स्मोक करें या फिर अकेले अपने आप को किसी रूम में बंद कर लें, अगर वो ऐसा नहीं भी करते हैं जनरली तो। लेकिन उनका मन नहीं कर रहा आज किसी और से बात करने का, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने का। वो टोटली आपकी यादों में खोए हुए हैं और उनसे आज के दिन बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि वो आपके बिना रहें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पलक झपकते ही उनके पास आ जाओ या फिर वो पलक झपकते ही आपके पास आ जाएं एंड आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही रोमांस हो, प्यार हो एंड लवी डवी एनर्जी हो और साथ ही में इंटीमेसी हो। इंटीमेसी की डिज़ायर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं आज। आप में से कई लोगों के पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कन्फेशन देना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूम कर आना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। वैसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंट जोडियक्स की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स की बात करूँ तो 7, 16, 24 नंबर, 6, 15 एंड 24 एंड 25 नंबर आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी आपके पर्सन के थ्रू नेक्स्ट मूव रिसीव होने वाला है और हम चेक करते हैं कि ये नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स चेक नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओम साई राम। ये नेक्स्ट मूव होगा कि अब आपके पर्सन आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे और नो मैटर कि उनके ऊपर किसने नज़र रखी हुई है, कौन उनको आपकी तरफ आने नहीं देना चाहता या फिर आने नहीं देना चाहती, स्टिल आपके पर्सन उनसे छुपते छुपाते या कैसे भी मौका पाके कैसे भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई मैसेज, आपको कोई कॉल भेज सकते हैं या फिर डिवाइन की हेल्प से इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्ट होकर आपको कुछ सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि अब आपके पर्सन को आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और डेफिनेटली वो बाय हार्ट आपके साथ जल्द से जल्द
रीयूनियन और वेडिंग करना चाह रहे हैं। 4 days 4 hours में आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन का कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या फिर कन्फेशन, कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। और नेक्स्ट 3 months में आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग फिक्स हो सकती है, वेडिंग हो सकती है इनके साथ, या फिर आप लोग रीयूनियन में आ सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। 3/12/21/30, 4/22/13/31 पाइसिस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।